लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई की NRI पुलिस ने एक फर्जी केस को सेटल कराने के नाम पर 1.5 लाख की रकम वसूल करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जोन 1 के DCP विवेक पानसारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने पहले दीपेश त्रिपाठी के खिलाफ फर्जी केस दाखिल कराया और फिर सेटलमेंट के लिए पैसे मांग रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। NRI पुलिस ने एक फर्जी केस के मामले में पैसे ऐंठने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम प्रकाश राम सिंह डोली, करण गाने सिंह, मनीषा सतीश घोड़के और फर्जी पीड़ित महिला और उसकी मां का नाम शामिल है। आरोप है कि पीड़ित महिला ने दीपेश त्रिपाठी नामक एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराया और मध्यस्थ मनीषा घोड़के के जरिए सेटलमेंट के लिए 14 लाख रुपयों की मांग की, लेकिन 2.5 लाख रुपयों पर फाइनल हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP विवेक पानसरे ने इस वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यस्थ मनीषा घोड़के ने इसके लिए आरोपी दीपेश त्रिपाठी की पत्नी प्राजक्ता त्रिपाठी से संपर्क किया, जिसके बाद सेटलमेंट की रकम लेते हुए सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिमंडल 1 के DCP विवेक पानसरे ने बताया कि NRI पुलिस के सीनियर PI रविंद्र पाटिल और उनकी टीम ने महज 24 घंटे में जिस तरह इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वह सराहनीय है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। NRI सागरी पुलिस स्टेशन में दीपेश त्रिपाठी के अगेंस्ट एक 376-328 के तहत गुना दाखिल था। ये गुना पीछे लेने के लिए, गुना वापस लेने के लिए इनमें जो पीड़ित है वो पीड़ित और मनीषा घोड़के नामक एक स्त्री, इन्होंने आरोपी दीपेश त्रिपाठी की पत्नी प्राजक्ता त्रिपाठी इसको कांटेक्ट किया। मोबाइल पे इनका चैट उपलब्ध है, वो चैट जो चैट है और संभाषण है वो सब प्राजक्ता त्रिपाठी ने सेव किया है, रिकॉर्ड किया है। इस कुल 14 लाख रुपए की इसमें खंडने की मांगनी की गई और खंडने देते टाइम लेकिन 2.5 लाख रुपये हम लोगों ने बरामद किए हैं। उसमें 2.5 लाख में से 2 लाख रुपये पीड़ित और उसके कुटुंबीय के लिए थे और 50,000 रुपये मनीषा घोड़के इसके हिस्से में आए थे। ये सब पैसे रंगे हाथ पकड़े हैं और 384-388 के तहत हम लोगों ने गुना दाखिल किया है। 5 ही आरोपी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। पुलिस के पास जो कंप्लेंट आती है वो पुलिस को लेना पड़ता है। उसमें भी महिला की जो तकरार रहती है, हम लोग महिला की जो ये तकरार है वो सच मान के उसका तपास करते हैं। बाद में तपास में जो सामने आता है वो आता है, वैसे इसमें आया है तो जिन्होंने फर्जी कंप्लेंट दी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। लड़की ने पहले बोला था कि हम लोग 1 घंटे के लिए गाड़ी में बाहर गए थे और एक दुकान में मुझे उन्होंने कुछ खाने को दिया, मुझे उसके बाद बेहोश हो गई और रेप का ये हुआ। लेकिन हम लोगों ने जब तहकीकात किया तो पूरा मामला 22 मिनट का था, ना कि 1 घंटे का। और 22 मिनट में वो 4 दुकान में गई थी और दुकान में जाके फिर वापस आई थी। तो हम लोग मिनट एक एक मिनट का तपास किया, उसमें किधर भी 1-2 घंटे भी वो बाहर किधर गई नहीं है, वो गाड़ी में ही थी। 22 मिनट में वो घर में से निकल के 4 दुकान में जाके वापस घर पे आए हैं, इसलिए वो साबित हुआ है कि इनका किधर भी कुछ प्रसंग नहीं हुआ है। और दूसरे दिन ही ये लोगों ने डिमांड की उसकी पैसे की, तो उससे भी ये साबित होता है कि इनका ये पहले से ही एक जाल फंसाया हुआ था, इसमें ये फंस गया था, इसलिए वो तकरार वैसी हुई थी। लेकिन बाद में सब सच होना सामने आने के बाद वो तकरार रिवर्स भी हुई है। वो हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, उसमें से 3 आरोपी 4 आरोपी जो है वो नेपाल के रहने वाले है, 1 आरोपी जो है मनीषा घोड़के वो लोकल है। इनके खिलाफ कुछ दाखिल है कि नहीं इसके बारे में हम लोग और तपस कर रहे हैं। घोड़के का रोल क्या था इसमें? घोड़के का मेडिएटर का रोल था। घोड़के ने ही जो पीड़ित के माँ बाप है उनके और जो आरोपी की पत्नी है, यानी पिछले गुने के आरोपी की पत्नी, इनके बीच में मेडिएशन करके मेडिएशन करने का उसका रोल था। अगर तुमने 14 लाख रुपए दे दिए तो ये मैं उनको फिरियाद वापस लेने के लिए राजी कर सकती हूँ, ऐसा घोड़के का रोल इसमें आया सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।